हेलो अर्चना जी. हेलो. क्या बात है, आज शो में विटामिन सी की कमी नहीं होने वाली. ऐसा संतरा लग रही हैं आप, बहुत प्यारी लग रही हैं. अच्छा जी, हमारा हमेशा से सौभाग्य रहा है कि पूरे भारत से अलग अलग भाषाओं की सुपरहिट फिल्म्स हमारे शो पे आती हैं. जैसे मराठी फिल्मों की अगर बात करें तो सैराट, वेड. साउथ की फिल्मों की बात करें तो PS1, RRR, विक्रम. उसी तरह से पंजाबी भाषा की एक सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइज है कैरी ऑन जट्टा. आज उस फिल्म की स्टार कास्ट हमारे यहाँ मौजूद है. तो चलिए सबसे पहले बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, प्लीज वेलकम एक्टर सिंगर प्रोड्यूसर मिस्टर गिप्पी गरेवाल. सोनम, आप इस सीजन में दूसरी बार आ रही हैं. क्या समझूं मैं इसे, बहुत ज्यादा बिजी हैं आप, बहुत ज्यादा काम कर रही हैं. सीजन ही इनका है, अब सीजन ही इनका है एक्चुअली. थैंक यू, बहुत प्यारी लग रही हैं आप. आपको अच्छा नहीं लगा मैं दूसरी बार इतनी जल्दी? नहीं, मैं तो कहता रोज आओ आप. आप हमारे शो पे परमानेंट हो जाओ. हम लड़कों को लड़कियां बनाना थक गए हम. अगर आप आ जाएंगी तो हमारे शो में ओरिजिनल ग्लैमर हो जाएगा. नहीं अर्चना जी, कितना टाइम लगता है लड़की बनने में आपको बताइए. मतलब हमारे लड़कों को. ओह, आपको पता है हमारा शो पिछले महीने ब्रेक पे जाने वाला था. अच्छा. हाँ, तो जब मुझे पता चला कैरी ऑन जट्टा 3 में आप हैं तो हमने सोचा कोई नहीं कैरी ऑन करते हैं, ब्रेक तो लेते रहेंगे. कैरी ऑन जट्टा बहुत जाने. नहीं पाजी, मैं मजाक कर रहा हूँ और आप इसे सीरियसली भी ले सकती हैं. How was your US trip, सोनम? काफी अच्छा था, बहुत मजा आया. और अगर आप US को मिस कर रही हैं तो इस बार आप फिर जा सकती हैं. स्वयं श्री कपिल शर्मा जा रहे हैं US. अगर आपका मन हो मोस्ट वेलकम. मैं आपको गिप्पी बाजी के बारे में एक बात बता दूं, ये मल्टी टैलेंटेड हैं. ये सिंगर हैं, ये राइटर हैं, ये एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर तो ये हैं ही. और कोई तो मुझे बता रहा था आपकी टीम से, कहते हैं गैस वाले गीजर भी ठीक कर लेते हैं. तो भाई एक बात बताओ, इतने सारे काम आप खुद कर लेते हो, किसी ने कहा नहीं कोई तो काम हमारे लिए छोड़ जाता? सर छोड़ा एक काम मैंने. हैं? आपके लिए छोड़ा एक काम. सर मेरा भाई बहुत ही टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है. मैं ना गिप्पी भाई का इंस्टाग्राम देख रहा था, ये भाभी के साथ ना हाथ में हाथ डाल के रील्स बड़ी डालते हैं. कभी भाभी ने कहा ना कि इंस्टाग्राम पे रील मेरे साथ डालते हो, फिल्म की बारी आती है तो दूसरे हीरोनों को ले लेते हो आप. भाभी कितनी ब्यूटीफुल है, मतलब कभी आपने सोचा नहीं? ये एडिट भी होती है चीजें इसमें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया भाई. अच्छा. अले तक तो नहीं किया. आप मतलब इस शो के बाद हो सकता है कि वो दिमाग में आइडिया आ जाए. दिमाग में आइडिया, क्योंकि आप आइडिया तो देते ही हो. अजी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियां हो जाए यार. अब हम बुलाते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे अहम कलाकारों को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, प्लीज वेलकम. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू जी. थैंक यू कपिल जी. और ये जी, जल्दी से बिठा लीजिए क्योंकि कुर्सी के पास लग गए ना थोड़ा सा. हाँ, हमें से आपको पता थोड़ा सा चले गया होगा ना. लगातार खड़े नहीं रह सकते? नहीं, नहीं, नहीं. लेट जाओ थोड़ी देर. आपको लेटने के लिए हम वो आदमी लाए हैं. ये इतनी खूबसूरत स्टार कास्ट है इस फिल्म की, और मुझे लगता है जितना लोग इस फ्रेंचाइज को प्यार दे रहे हैं पाजी, पता नहीं इसके और कितने पार्ट बनने वाले हैं. तो बड़ा अच्छा लग रहा है सबको देख के. कुगी पाजी मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे टीचर हैं कॉलेज के टाइम पे. अच्छा, बीनू पाजी और कुगी पाजी को हमने हमेशा साथ में देखा, चाहे फिल्म हो, चाहे कोई अवार्ड शो हो, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो आप सेलिब्रिटी. अजी आप साथ में रहते हो, आपका प्यार है कि एक दूसरे की मजबूरी है कि अकेला चला गया तो एक दूसरे के राज ना खोल दें, क्या चक्कर है? अब तो मतलब इतनी दोस्तियां तो हमारे राज भी जो वो भी एक साथ ही हैं. अच्छा जी. हैं? Exactly. जी पाजी, मैं आपको हमेशा प्राउड फील कराता हूँ. मैं आपको एक बार और बात बोलना चाहता हूँ. पिछले हफ्ते मैंने एक एपिसोड किया है पूरी इंग्लिश में. अच्छा. या कमाल कर दिया. लोगों के ऊपर है. कौन थे गेस्ट? कौन थे? क्रिस गेल एंड ब्रैटली ब्रो. अच्छा, ब्रैटली और क्रिस गेल. तो उनको ट्रांसलेशन किसने करके बताया कि क्या कह रहे हैं इंग्लिश में? कुछ कुछ मैंने किया लेकिन इसकी अंग्रेजी एक्चुअली. और जब ये ट्रांसलेट कर रहे थे मुझसे पूछ रहा व्हाट शी सेड. ये दुनिया का पहला शख्स है जिसकी एंकरिंग में भी रीअपीयर आई है. आइए पाजी, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए. बीनू पाजी, मैं देख रहा था आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बड़ी सारी वीडियोस डाली हैं बिहाइंड द सीन. जी. ये आज शूटिंग का पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा, दसवां, पच्चीसवां. अगर कैरी ऑन जट्टा 2-2.5 घंटे की है तो इन्होंने कम से कम 60 घंटे का बिहाइंड द सीन खा चुके हैं ऑलरेडी. प्रोड्यूसर आदमी अगर गिनता है दिन तो उसका समझ में आता है कि इंग्लैंड में शूटिंग कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा हो रहा है. आप क्यों दिन गिन रहे थे? नहीं, मुझे एक्चुअली प्रोड्यूसर और ये मेरा भाई इसने लिया ही इस वजह से था कि तुझे भाई पैसे तो तू ठीक ठाक ही एक्टर तो और हर रोज वीडियो डालनिया और हमने फिल्म को पहले से ही उठा के रखना है. और सर ये ऑडियंस को नहीं बताते, ये प्रोड्यूसर को बताते हैं 25 दिन तूने लिए, आज 23वां दिन है. 23वां दिन है ये असल में प्रोड्यूसर को बता रहे होते हैं. अरे एक्चुअली मुद्दा और है जी. वो आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनसे पैसे भी मिलते हैं.
अच्छा वीडियो डालने के। हमारे जो राइटर हैं नरेश कदुरिया जी, जी वो 10-15 लाख रुपए इकट्ठा भी करके बैठे हैं कैरी ऑन के कंटेंट से, तो आफ्टर रिलीज मैं उन पे स्ट्राइक मार के वो लेने भी वाला हूँ। तो बिनू जी को तो चलो मैंने बोला था, इनको हमने छोट दे रखी है। देखा बात सही निकली, सो वाटर कूलर मेरा हुआ। कविता को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है, हम लोग साथ में कॉमेडी सर्कस में पार्टनर थे। चलो चले फिर हम तो। ये क्या बात हुई, मेरे को छोड़ के सीधा कब तक? नहीं पाजी, ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है, ऐसे ही जाना है, हो सकता वहां से आया आ जाओ। नहीं आपके पास आते हैं बिल्कुल। और कविता इतनी कमाल की एक्ट्रेस है, FIR सीरियल आप सब जानते हैं, बहुत सारे टीवी शोज, रियलिटी शोज, फिल्में, लेकिन जो इन्होंने इंस्पेक्टर चौटाला का किरदार निभाया ना, वो एक्चुअली लोगों को इतना अंदर उनके दिमाग में बैठ गया ना, ये कभी पुलिस स्टेशन के सामने से निकलती ना, कांस्टेबल उठ के उनका सल्यूट निकल जाता है, उनको लगता है। कविता सच्ची बताना, आपको कभी किसी ने सच्ची का इंस्पेक्टर समझा? बहुत बार, इनफैक्ट कई बार गांव वगैरह में, जैसे मेरे पापा का गांव राजस्थान में है, तो हम कई बार जब जाते हैं, लोगों को यही लगता है कि मैं सच में पुलिस वाली हूँ, अपने बच्चों की कंप्लेन लेके आ जाते हैं मेरे पास। और कई बार कोई बिना हेलमेट के जा रहा हूँ, ऐसे 1000 पकड़ा के चला जाता है। ये पकड़ भी लेती है। आई नॉट, आई एम वेरी चीप। ये आप इन सब में से आप अकेली नॉन पंजाबी हैं, ये सारे बड़े शरारती हैं, परेशानी की आपको? एक्चुअली परेशान भी करते थे, तो पंजाबी में ही कुछ ना कुछ बोलते थे सेट पर, और ठेठ, यू नो, बीनू जी की और सोनम की पंजाबी बहुत अच्छी है, लाइक एकदम ठेठ पेंडू पंजाबी जो है ना वो बोलते हैं ये दोनों, एंड नॉर्मल पंजाबी आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इनकी पंजाबी बिल्कुल। पर बड़ी बात है, तुम्हें पेंडू का मतलब पता है? पेंडू पंजाबी, ये बड़े कम लोगों को पता था। पेंडू पंजाबी इनको सब थे, बट ये छिड़ती सर बीनू जी से। लेकिन बीनू जी, सोनम जी, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, उन्होंने कहा इनकी तो नॉर्मल पंजाबी है, आपकी अब नॉर्मल पंजाबी। मैं कविता की टीम में थी, जब भी इनमें से सब उनको परेशान करते थे, तब मैंने हमेशा कविता की साइड। जब मुझे पता चला कि ये उनकी टीम में, फिर मैं भी इनके साथ ही लगे, मैंने आप अपनी टीम में मुझे ले लो। देखो अब सोनम जी ने खुलासा कर दिया है कि मैं परेशान होती थी, यूजुअली मेरी इमेज ऐसी है कि यही परेशान करती है सबको, सो नाउ एवरीवन नोस। नहीं इमेज ही नहीं ऐसी, आप हो भी ऐसी। एक किस्सा मुझे कपिल और मेरा याद है, हम हाथरस से आगे एक मेले में गए थे, याद है? उस मेले में अर्चना जी, थोड़ा सा ना क्राउड राउडी था। अच्छा। तो और कपिल और कृष्णा ने मुझे कहा था, चल चल ये इवेंट बहुत अच्छा है, उन दिनों FIR वाज यू नो ऑन द पीक, कपिल तो खैर हमेशा से ही कपिल शर्मा, सो दे वर लाइक नहीं नहीं बड़ा मजा आएगा और मेला है, हमें ना सारी ऑडियंस को कैप्चर करना चाहिए। हम सब आर्टिस्ट, हमारी छोटी छोटी फोटो और सुरेंद्र तबले वाले की बड़ी फोटो। एंड यू नो इतना राउडी क्राउड था, बहुत ज्यादा लोग गाड़ी पर भी पीट वगैरह रहे थे, तो मैंने कपिल को इतना आई एम सॉरी बट डांटा, मैंने कहा तेरी वजह से आए हैं हम, अब कपिल तू मेरे आगे चलेगा और मेरे पीछे कृष्णा चलेगा, और अगर मुझे किसी ने चूटी काटी तो तुम्हारी मैं चाकू से छील दूंगी। थोड़ी देर बाद यही हमें बचा के निकलवा के आई वहां पर। सीरियसली ये रूप मैंने कविता का उस समय पहली बार देखा था। सर जसविंदर पाजी, जसविंदर पल्ला साहब हमारे पंजाब के बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, हम लोग बचपन से इनको देख रहे हैं कॉमेडी करते हुए, और शादी के बाद और ज्यादा कॉमेडी करने लगे हैं। नॉर्मली पाजी शादी के बाद बंदे की स्माइल थोड़ी कम हो जाती है, आपने मेंटेन रखी हुई, देखो अभी भी आप मुस्कुरा रहे हैं। अजी क्या फॉर्मूला क्या है जसविंदर पाजी इसके पीछे? बस समझ लो मेरी बीवी मेरे को हंसने के लिए मजबूर करती रहती है। अच्छा जी, बस गल खत्म? बस गल खत्म। बेसिकली पाजी ना, अभी 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 हमने देखा अपने जो भी हिंदी वाले जो भी टीचर से इनके आसपास, वहां से पूछ रहे थे कि हिंदी की प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत ना पाजी, बोल रहे कि अच्छा। नहीं यार कैसे बहुत, करेंगे बहुत, थोड़ी बहुत, हमसे सबसे ज्यादा पाजी बेटियां वैसे सुनाते हैं, सबसे ज्यादा मतलब पंचेज इनके पास है, अब ऐसे है कि हिंदी कैसे बोले, तो उनको उनको पूछ रहे बारी बारी, यार वो टूना टप को क्या कहते हैं हिंदी में? और ये प्रैक्टिस करने के लिए सुबह से जितने इनके दोस्त दिल्ली में, बेंगलोर में, सबसे सुबह से हिंदी में बात है, अनुराधा क्या हाल है तुम्हारा? ये सही बात है, पंजाबी आदमी इंग्लिश से इतना नहीं डरता जितना हिंदी से डरता है। अजी एक कहावत है, लोग आम तौर पे बोलते हैं कि जो फनी आदमी होता है ना, लड़कियां उसकी बड़ी फैन होती हैं। तो कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं आपकी शादी से पहले? शादी से पहले के मतलब टोटल टोटल फसाना नहीं चाहता आपको, शादी से पहले पहले वाली एक तो इन्होंने बता दी अनुराधा, मुझे भी आज पता चला है।
कुकी भाई यही सेम सवाल मेरा आपसे भी है, आप भी शुरू से आपको देख रहे हैं हम, हालांकि आप बड़े सीरियस एक्टर भी बड़े कमाल के हैं, आपके तो हमने सारे सीरियल देखे हैं, पर कॉमेडी की अगर बात करें तो अब सीरियल आपकी भी गर्लफ्रेंड रही है पहले? पहले पहले कह के तो बेइज्जती कर शर्मा गया शर्मा गया। अरे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ब्लश कैसे करते हैं। सर ये हादसा सबके साथ होता है और आप तो मेरी पूछ रहे हैं, मुझे तो आपकी पता है सारी। चलो लेट्स चेंज द टॉपिक, चेंज द टॉपिक। हमारे समीप कंग साहब कैरियन जट्टा के डायरेक्टर हैं। पाजी ये तो थर्ड फ्रेंचाइज है आपकी जी। जब पहली बार आपने बनाई थी ये फिल्म जी, तब कितनी मुश्किलें आई थी आपको? मुश्किलें तो आई थी क्योंकि उस वक्त आउट एंड आउट कॉमेडीज बनती नहीं थी। राइट, कॉमेडी एक फिल्म का स्मॉल पार्ट होती थी। तो प्रोड्यूसर्स में भी और एक्टर्स में भी और लोग जिनसे मैं पूछता था वो यही गाइड करते थे कि कॉमेडी तो एक फिल्म का पार्ट हो सकती है, आउट एंड आउट कॉमेडीज तो वर्क कभी नहीं करेंगी। राइट, तो मुश्किलें तो आई लेकिन जब एक्सेप्ट होगी पिक्चर तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब गिरी भाई जी आप तो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, पहली कैरियन जट्टा से लेके तीसरी तक बजट में कितना फर्क आ गया? बहुत फर्क आ गया भाई। किस तरीके से? मतलब इस सोफे के ऊपर कई लोग ऐसे बैठे हैं, इतने में पहली बनी थी उनकी फीस भी उससे ज्यादा है इस बार। और वो सोफा आपसे बिल्कुल बगल में है। आपके बिल्कुल बगल में है वो सोफा, आगे तक चलता है भाजी। एक्चुअली क्या है कि तब सभी हमने शुरू किया था, फिल्में इतनी बड़ी नहीं जाती थी, पता नहीं था कि ये होएगा। और मुझे याद है कि समीप पाजी तो सिर्फ इनसे तो मैंने वो स्क्रिप्ट ली थी, ये डायरेक्ट नहीं करने वाले थे वो फिल्म। मैंने सुनी ये बात। कुकी पाजी को मैं जानता नहीं था, मतलब एज ए हम वैसे जानते थे बट दोस्त नहीं थे। कुकी पाजी ने फोन करके मुझे बोला कि इन्हीं से फिल्म डायरेक्ट कराओ, ये बेस्ट डायरेक्टर है फॉर दिस फिल्म। मुझे लगा कि यार इतना सीनियर बंदा इतना ज्यादा रिकमेंड कर रहा है तो लेट्स ट्राई। बट जब मैं समीप पाजी से पूछता था कि पाजी फिल्म अच्छी बनेगी, कोशिश करेंगे, फिर मैं यार सारे पैसे लग जाने कमाए हुए और ये बोल रहा है कोशिश करेंगे यार। तो फिर भी मैंने हौसला दिखाया तो बना लिया। और टचवर्ड अब मुझे आज लगता है कि इस इनसे बेस्ट कोई नहीं बना। थैंक यू। जब से मैं कुकी पाजी को देखते थे ना, जब तब उस समय ऑडियो कैसेट आते थे तो ऑडियो कैसेट में ही कॉमेडी होती थी। उसके बाद डीवीडीज आने लगी पाजी, है ना जसविंदर पाजी, आप भी पहले ऑडियो कैसेट बहुत आते थे, फिर डीवीडीज आने लगी, फिर डीवीडी का दौर खत्म हुआ, फिर पंजाबी फिल्में आ गई। पाजी सबसे ज्यादा किस दौर को एंजॉय किया कुकी पाजी आपने? देखिए दौर जो भी आता है वो बहुत अच्छा आता है लेकिन अपना वो फन दिखा के निकल जाता है, ये भी दौर निकल जाएंगे। लेकिन आपने ऑडियो कैसेट की एक बात की तो मुझे इस पे किस्सा याद आ गया। जी पाजी, अपने क्रिकेटर हैं जी हरभजन सिंह, अभी वो स्ट्रगल कर रहे थे, अभी टीम में नए नए आए थे, तो उससे पहले उनके घर के तीन घर छोड़ के वो खुद बताते हैं, भाई वो शो देख रहे होंगे सॉरी हैं, बोले एक सामने एक लड़की रहती थी, वो बोले हम रोज प्रैक्टिस के बाद एक घंटा मैं छत पे, एक घंटा वो भी छत पे, तो दूर दूर से ये सब नैन वैन लड़ते थे। एक दिन उसने कहना, वो कह रहा पाजी मुझे जिंदगी में इतना बुरा आदमी कोई नहीं लगा जितने आप लगे। क्यों? मैंने कहा क्यों? कहना तू मेरे तीन चार साल की स्ट्रगल के बाद फाइनली एक दिन उसने मुझे एक ऑडियो कैसेट दिखाया। ना मैंने चार चार सीढ़ियां इकट्ठी उतरा मैंने। तब क्या होता था, लोग अपने महबूब के लिए महबूबा के लिए ना वो गाने भरवा के लाते, तुम जो मिल गए हो, पता ना एक कैसेट में आठ गाने भरवाते थे तब जाके। तो कहना मुझे लगा बात बन गई, ये आठ गाने भरवा के ले आई मेरे लिए। कहना मैं भाग के गया नीचे, कहना नीचे जब मैंने उसका रैपर देखा आप बैठे थे वहां, अरे मुझे कॉमेडी कैसेट देखे गई वो। तो ये मेरी ऑडियो कैसेट का किस्सा है पहला। तो अब मैं एक और मेहमान को बुलाने जा रहा हूँ, ये हमारे पुराने दोस्त हैं, ये कैरियन जट्टा में एक्टर भी हैं और इस फिल्म के राइटर भी हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर नरेश कथूरिया। बहुत ही कमाल के राइटर हैं और बहुत बड़ी बात होती है विदेश से आके पंजाबी भाषा में फिल्में लिखना। इनका नाम डेविड है, वैसे नरेश रखा हुआ है। नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, पंजाबी आदमी है। नरेश बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बड़ा कमाल का ट्रेलर है कैरियन जट्टा का। थैंक यू। दूसरी बात ये बताइए आप इतने तैयार होके क्यों आए? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने सूट बनवा लेता हूँ लेकिन काम में इतने बिजी होते हैं, कहीं किसी शादी में किसी फंक्शन में जाने का मौका मिलता नहीं है। सूट पड़े पड़े खराब हो जाते हैं। ऐसे किस्सा हुआ था हमारे साथ मैम कि 3 साल के बाद मैंने सूट पहना, शूज पहने, तो अवार्ड शो था पंजाब में, तो बिनू बाजी स्टेज पे गए
इन्होंने बड़े प्यार से नाम अनाउंस किया कि ये अवार्ड मेरे छोटे भाई नरेश कथुरिया की वजह से है, तो नरेश स्टेज पे आ जाओ। मैं खड़ा हुआ स्टेज पे जाने के लिए, 3 साल के बाद जूता पहना तो वो टूट चुका था। ओह, यहाँ से खुला हुआ है, अब मैं जाऊँ कैसे? ये आवाजें लगा रहे हैं, नरेश आ जा। अब दो लोग मुझे खींच के, तुझे बुला रहे, जा क्यों नहीं रहा? अब मैं उठ नहीं रहा, जूता खुला हुआ है। फिर मैंने इसे मशवरा दिया, मैंने कहा शूज निकाल और स्टेज पे बोल मैं अवार्ड लेने नंगे पांव आता हूं। बैठिए प्लीज, आप बैठ सकते हैं, आप भी इनवाइटेड हैं। थैंक यू। एक बात पूछनी, इस फिल्म को आपने लिखा भी है, आपने इसमें रोल भी किया है जी, और पहले भी आपने किया था, मैं देखता हूं हमेशा आप, तो ये डायरेक्टर की खुद की मर्जी से आप कास्ट होते हैं या आपने स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कि अगर मुझे रोल नहीं दोगे तो जाओ फिर ले लो स्क्रिप्ट जैसे लेनी है? मैं बताऊं पाजी, क्या कैरियन जट एक ऐसी फिल्म है, यहाँ बैठे हर आर्टिस्ट को उसका लालच है कि मैं होना चाहिए, गिप्पी भाई प्रोड्यूसर उनको भी लालच है मैं इस फिल्म में होना चाहिए। ये ऐसी फिल्म हम सबके लिए, ये वो फिल्म है जिसने हम सबकी जिंदगी बदली है। यार वो इंग्लैंड वाला किस्सा सुनाओ जो लिफ्ट में था, वो क्या था, ऐसे क्या थी, फिर भी क्या बात थी? गालियां मिली थी, वो लोगों को लगा कि मैं अंग्रेज हूँ, तो कोई पास खड़ा था तो कुछ साउथ इंडियन लड़के थे, लड़के लड़कियों का कुछ कैंप आया था, अभी कैरियन जट्टा के शोट की बात है, तो लिफ्ट में खड़े हैं हम लोग, तो मैं पीछे खड़ा हूँ, तो जैसे ही मैं पहले मुझे निकलना था लिफ्ट से ही, तो मैंने ऐसे हाथ में एक्सक्यूज मी बोला, तो उसने गाली दी, कहते इस मतलब गंदी सी गाली दे के पी करके बोल दो, पी करके बोल दो, इस साले पी गोरे को निकलने दो। मैंने मैं क्या बोला, वो घबरा गए एकदम से। वो ऐसे किसे कई होते हैं। अब तो पहला पार्ट हिट हो गया, दूसरा पार्ट है ना हिट हो गया, तीसरा पार्ट, अब तो जैसे आप बोल रहे दोस्ती होगी, कभी किसी ने साइड में ले जाके कहा है कि 2-2.5 हज़ार ज्यादा ले लो, मेरा जरा ज्यादा लिख दो, कोई बोलता कोई? सब बोलते हैं लेकिन साले 2.5 हज़ार भी नहीं देते। क्या बात है, क्या बात है मेरे बच्चे, बहुत स्वीट बॉय हैं। वेरी स्वीट बॉय बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद हैं, चलो जाओ। सर पैसे? ऐसे नहीं चाहिए। ऐसे क्या बेटा, हम बाप बेटे शौक के लिए नाचते हैं, पैसों के लिए नहीं नाचते। अरे हमने ये बजाया उसके पैसे। अच्छा, एक तो एक बेजुबान को बजा रहे हो, ऊपर से उसके पैसे मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? अगर कोई तुमको बजाए और दूसरे आदमी से पैसे मांगे तो अच्छा लगेगा क्या तुम? कह रहे हैं बाबा। अरे ये हमारा पेशा है। लो, अगर ये तुम्हारा पेशा है तो हमसे पैसा क्यों मांग रहा है रे? अरे यार ये कैसा बंदा है? देखिए सीधे सीधे पैसे दे दीजिए, वरना घी मुझे टेढ़ी उंगली से भी निकालना आता है। ए! मेरे पापा का घी निकालेगा? एक 2.5 किलो का हाथ देगा? कर बस कर। भाई पापा ये क्या बोल रहा है? कुछ नहीं क्या बोल रहा है? मतलब पापा हाथ का घी निकालने की बात कर रहा है वो? बार बार मेरे घी की क्या बात कर रहा है, मेरी बेइज्जती हो रही है। बस ये जा रहा है, खड़ा है ना वहाँ पे, खड़ा है ना, क्यों बोले जा रहा है बीच में तू बार बार? लेकिन किसी को आपका घी नहीं निकालने दूंगा। घी निकालेगा, घी निकालेगा, सुन, हमेशा गुस्सा नहीं करते बेटा, कुछ मसले जो हैं वो प्यार से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है बाबा। देखिए भाई साहब। देखिए देखिए कुछ नहीं, मुझे मेरे पैसे दीजिए। देखिए भाई साहब। देख लिया, देख लिया। सॉरी अंकल। मसले जो हैं वो प्यार से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं मानता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। पंजाब के बड़े बड़े कलाकार आज यहाँ पर आए हैं, हम दोनों स्वागत करना चाहेंगे। वो तो हम करना चाहेंगे। चार हो गए। ये तो आप अपने स्वागत कर रहे हैं। तो हम पंजाब के बड़े कलाकार नहीं हैं क्या? अरे मेरे अंदर तो इतना पंजाब घुसा हुआ है बेटे कि मैं मच्छर भी ऐसे मारता। ये
इसको यहाँ से चलो स्ट्रॉन्ग है यार, नकली गन से ही डर गया। वैसे आप लोगों से मिलकर मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। नमस्ते 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 नमस्ते। ये कैसे नमस्ते कर रहा है? मैंने पहले ही कहा था पापा आपसे, सातों को साथ करूंगा एक साथ करूंगा। अरे बेटा लेकिन यहाँ पर सात नहीं नौ लोग बैठे हैं। ये उनमें से दो लड़कियां हैं पापा। और लड़कियों को मैं नमस्ते नहीं करता, उनको मैं सीधा हग करता हूँ। बेटा बेटा मैं तेरे बिना अकेले रह नहीं पाऊंगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ पापा, मैं हूँ ना आपके साथ। जैसी बातें करते हैं ना कोई ठोक के चला जाएगा तेरे को। विश्वास कर रहा है यहाँ पे, और इतने बड़े पंजाब के यहाँ सीएम बैठे हुए हैं, उनके सामने क्या बातें कर रहा है तू? पापा वो पंजाब के सीएम नहीं है, कॉमेडियन तो है ना। कोई भी कॉमेडियन कभी भी सीएम बन सकता है। सबको प्यार दो, सबको इज्जत दो बेटे। भल्ला साहब सोनी सोनी कुड़ियों के साथ आए हैं, क्योंकि भल्ला तो हमने सिर्फ पापड़ी और दही के साथ ही देखा है, आज पहली बार सोनी कुड़ियों के साथ देखा है। ऐसे नहीं। ओ पापा, जैसे पापड़ी और दही से याद आया, हमने इन्हें कुछ खिलाया ही नहीं। अरे क्यों नहीं खिलाएंगे, मेरे मेहमान है रे, मैं खिलाऊंगा भल्ला साहब। खिलाइए ना। आएगा मेरे भल्ला जी, आएगा भल्ला जी, धप्पा आया आया भल्ला जी, आया पापा पापा आया भल्ला जी, देखा आ गए। क्या कर रहे हैं आप? उन्हें कहा ना खिला उनको, तो खिला आया भल्ला जी। पापा मैं खेल खिलाने की बात, खिला और खिड़ा, ये गलत हो गया। मैं कह रहा था खेल खिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाना खिलाने की बात कर रहा हूँ पापा। अच्छा, हमने कुछ खिलाया नहीं। प्लीज बैठ, सॉरी गलती हो गई सर, गलत खेल शुरू हो गया। आप सर पापा मुझे करने दीजिए हटिए सर। पूनम जी बताइए, आप मेरे साथ एक कप ऑफ कॉफी के लिए चलेंगी? शर्म नहीं आती आपके सामने फ्लर्ट करता है? अरे कविता, क्या आप मेरे साथ कॉफी पीने के लिए चलेंगे? तो ये आप भी तो फ्लर्ट कर रहे हैं कविता अच्छा। के साथ? सोनम के साथ भी फ्लर्ट नहीं कर सकते, कविता के साथ भी फ्लर्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या यहाँ पे बिन्नू ढिल्लन के साथ फ्लर्ट करने के लिए आए हैं क्या? ऐसी बातें कर रहा है ये। वैसे ढिल्लों जी, आपको देख के ना मुझे पुराने दिन याद आ गए। याद है हमने साथ में एक फिल्म की थी सोनी महिवाल, जिसमें आप मेरी सोनी बने थे? है? अबे वो पूनम ढिल्लन थी। वो बिन्नू ढिल्लन जी हैं, वो पूनम ढिल्लन जी थी यार। सॉरी 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 माय बैड। सॉरी सॉरी, कैसी बातें कर रहा है? गलती से हो गया, मैंने क्या आपका सिर्फ ढिल्लो ढिल्लो देखा, आपका बिन्नू मैंने देखा ही। बकवास कर रहा है तू। बिन्नू जी एक बार जरा उड़ के दिखाइए ना। पापा ये बात सब गुगी जी से कहते हैं कि उड़ के दिखाओ, उनसे नहीं। उन्होंने कभी उड़ के दिखाया क्या? नहीं नहीं ना, तो मैंने सोचा उनसे पूछ लेते। तेरे को आदमी को सिर्फ उड़ते देखना है ना। आप चाहे वो उड़े, चाहे गुगी पाजी उड़े, चाहे समीप कांग उड़े। नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया, आप आप उड़ने का सोचिए भी मत साहब, आप तो उठ के दिखा दें तो बड़ी बात होगी। ओह बिनू जी आप क्रिकेट खेलते हैं ना? हाँ। मैं आपको बताऊं, मैं भी कमाल का थर्ड एम्पायर बनता हूँ। थर्ड एम्पायर? मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। बेटे गेस्ट काहे हैं, मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है, कि आपको भी बन के दिखाना बच्चे। लीजिए पेश है आप लोगों के लिए थर्ड एम्पायर।
बेटा तू तो दिखाई नहीं दे रहा है। थर्ड एम्पायर भी कहाँ दिखाई देता है। ऐसी जनाब बकवास कर रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने ऐसी हरकतें कर रहा है तू। तेरा ये कांड देख कर ना मुझे भल्ला जी का वो डायलॉग याद आ गया। कौन सा बाबा? निकम्मी औलाद ना मजा ना स्वाद। बाबा सबके सामने आपने मुझे डांटा पापा, ऐसे क्यों करते अलजा? रोना नहीं, वो रोता है। मेरा बेटा संतरे वाली गोली खाएगा। आऊंगा पापा, जंगल में जाएगा। आऊंगा पापा, शेर पकड़ के लाएगा। आऊंगा पापा, करेगा तो नहीं? नहीं बाबा। डर गया, डर गया। खैर जो भी है, आप बात है, इतनी बड़ी कास्ट चाहिए, कैप्टन ऑफ द शिप से मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले। क्या बात सर, पंजाबी फिल्मों को क्या नेक्स्ट मुकाम पे पहुंचा दिया। पंजाबी फिल्में इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गई हैं कि स्पेन से लोग लिखने के लिए आ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। ये क्या आपकी आखिरी फिल्म है? नहीं। ये टाई क्यों पहन कर आए हैं? ऐसा नहीं लगता कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने आए हैं? लेकिन मजाक की बात अलग है, आप बात है, मैं आप दिखा दो कि आप उठ सकते हो, मैं गले लगाना चाहूंगा। बेटा तुझे तो इनके पांव छूने चाहिए। क्यों बाबा? अरे तुझे वो आदमी मिल गया जिसके पीछे तू छुप सकता है। लेकिन मजाक से हटके इनसे अच्छा कोई डायरेक्टर नहीं पंजाबी सिनेमा में। थैंक यू। गिप्पी गरेवाल जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। वैसे आपसे एक सवाल पूछना था मुझे, ये सब आपको ग्रेबाल ग्रेबाल क्यों बोलते हैं? इनके बाल तो एकदम काले हैं। इतना घटिया पंच मारा है तूने यार। भल्ला जी आपने बिल्कुल सही कहा था, निकम्मी औलाद मजा ना स्वाद। अल्लाह साहब ये कैसा सियासी खेल खेला है आपने मेरे साथ। जो कुछ भी आपने कहा है सिर्फ औलाद के बारे में क्यों कहा है? और कविता जी, कविता जी आप गोवा में रहती है ना? हाँ। पापा एक बार मुझे भी गोवा जाना है। जाऊं? हाँ जा बेटे। मैं चला तो जाऊंगा पापा, लेकिन वहां पर गोवा के बीच पे क्या मिलता है? वहां पे पम्फ्रेट मच्छी मिलती है। वो तो अच्छा है पापा, और क्या मिलता है? और बांगड़ा मच्छी मिलती है। ओ ठीक है पापा, और बीच पे क्या मिलता है? बोम्बिल मच्छी मिलती अरे है। अरे पापा और क्या मिलता है बीच पे? जिन मछलियों के बारे में तू जानना चाहता है ना, उनके बारे में कभी भी नहीं बताऊंगा। बोल पेंसिल। पेंसिल? तेरा गोवा जाना कैंसिल। सोनम जी से कुछ सीख, क्या फिट हैं यार, क्या खूबसूरत लग रहे हैं। सोनम जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। सोनम जी मुझे आपसे जानना था, अभी आप अक्षय जी के साथ सिटी टूर पर गए थे ना? जी। तो टूर के बारे में मुझे कुछ जानना था, क्या आप बता सकती हैं मुझे? क्या पापा? ये जो तूर की दाल होती है ये कितनी सिटियों में पक जाती है? बाबा आपको पूछना चाहिए था कि आप कितनी सीटियों में पट जाती हैं। मतलब तू सीटी बजाएगा और ये पट जाएंगी मेरे टाइगर श्रॉफ। तेरे लिए ही सिंगल बैठी हुई है ना वो? सच पापा? अब सच में मेरे लिए सिंगल बैठी है? कह दीजिएगा ये सच है। इतना बड़ा हो गया है बाप का सरकाजम भी नहीं समझता।
वैसे सोनम जी, जी क्या आप हमारे खानदान की बहू बनना चाहेंगे? पापा, थैंक यू पापा, यू आर सो स्वीट। थैंक यू नहीं, खानदान में मैं भी तो हूँ। मेरे ही बारे में सोचता रहूंगा क्या मैं? बाबा घर पे जवान कुंवारा बेटा बैठा है, आप खुद के रिश्ते की बात कर रहे हैं? भल्ला जी ने बिल्कुल सही कहा था। अरे हाँ पापा, पता है, बार बार सुनाने की जरूरत नहीं है, निकम्मी औलाद ना मजा ना स्वाद, पता है मुझे। नहीं, इस बार उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था अगर घर में बेटा कुंवारा हो तो बाप को ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और फिर लास्ट में उन्होंने कहा निकम्मी औलाद मजा न स्वाद, समझा? आस कर रहा है, फिर जाता है जब देखो। मुझे लगता है इसके खाने का टाइम हो गया है। ये भाई जब इसे भूख लगती है ना तो ये बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। कपिल, मैं इसको जरा बाहर एक घंटा टहलाता हूँ। इसको बाद में मुझे खाना भी खिलाना है। मैं चलता हूँ, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए हैं। आया बेटा सोनम जी, मैं कुकी पाजी, ये बात सच्ची है कि अब कहीं पर हमारी टीम ने, मैंने नहीं पता था पर मुझे बताया, उन्होंने कहते बचपन में कुकी पाजी का सपना था बड़ा होके मुझे सब्जी वाला बनना है, ऑटो वाला। ये बात कहाँ तक सच है पाजी? ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब हम अभी कुछ होते नहीं है तो सपने भी छोटे लेने का ही हक होता है हमें। तो मेरा बड़े से बड़ा ड्रीम यही होता था कि या तो सब्जी का काम करेंगे तो नहीं तो स्क्रैप का काम करेंगे। तो मैंने वो याद किया हुआ था, वो स्क्रैप वाले गली में आते थे ना तब कलेक्शन के लिए, तब वो पंजाबी में टिपिकल स्टाइल, ए शान पूरा खाली बोतल अखबार दी रद्दी वे। ये मैंने पूरा प्रैक्टिस किया हुआ था कि बड़े होके जब काम करेंगे तो मुझे आना चाहिए। उसके बाद मुझे लगा नहीं जिंदगी में तरक्की करनी चाहिए, तो मेरा जो लास्ट सबसे बड़ा ड्रीम था वो था मुझे अपना ऑटो होना चाहिए मेरे पास। अच्छा। मैंने वो भी पूरी प्रैक्टिस, चलो अभी चलो कचहरी ज्योति नाज बस्ती एटा वर्कशॉप चौक पटेल चौक। कुकी पाजी का ड्रीम कोई भी पूरा नहीं हुआ। हम सब बाहर चाय वाय पी, तू कर ले जो करना तुझे कर ले। मैं सबको तो बाकी पता है, मैं कविता को बता दूं, कविता पंजाब में जब फसलें कटती हैं ना तो ऐसी चीजें बाहर आ जाती हैं। और ये पहला दुनिया का आदमी जिसका पजामा टांगों से शुरू होकर सर तक जाता है। मैं बताता हूँ, मैं सच में, मैं पंजाब की आन बान शान राजू मान। राजू मान। अच्छा कोई साउथ से आया होता तो मैं कवर भी कर लेता, ये सर तो आए पंजाब से, तू पंजाब का मान, और नुकसान है तो पंजाब का। पंजाब का मान देख लो। उनको पता ना पंजाब का स्टार रूपा जी, अभी फिल्म आई थी मेरी पंजाब में, कंजूस मजनू खर्चीली लाला। आपको याद नहीं क्योंकि भाई जब आप सो गए थे, सो के उठे थे तो उतर गई थी वो। मैं देखने गया था जी, लेकिन वो हॉरर मूवी थी। हॉरर नहीं, कॉमेडी थी भाजी। नहीं हॉरर थी। कैसे? पूरे हॉल में अकेला बैठा था, मुझे डर लग रहा था। भाजी मैं छोटा स्टार हूँ, मेरी पंजाब में फिल्म उतरती है, ये बड़े स्टार हैं, इनकी पूरी इंडिया से उतरती है। अपना अपना टैलेंट है। या प्लीज कुकी भाई। जी जी अल्लाह जी आए हैं, देखो ये हमारे वो सीनियर हैं, गुरु हैं, जिनको देख देख के मैं सीखा हूं। शट अप, उन पे इल्जाम मत लगा, तेरा खुद का है जो भी है। वो बड़े कमाल के आर्टिस्ट हैं। ये बताइए ये जूते इतने छोटे क्यों पहने तूने? तुम्हारी नजर कमजोर है क्यों? यहाँ तक तो पहने हैं, छोटे हैं। मैं मुंह तक पहन, यहाँ तक बताइए। फ्यूजन है, फ्यूजन, फ्यूजन हॉलीवुड और बॉलीवुड का फ्यूजन। और जाके पहले तेरे घर में जो कंफ्यूजन वो दूर कर। इसके भाई जो है वो बहनों जैसे लगते हैं, बहनें जो भाई जैसी। जब मैं घर गया कहती वीर जी घर नहीं आते आजकल, क्या हो गया? ये तो हर नहीं, मैं भी गया था इनके साथ, इनके बड़े भाई ने तब करवा चौथ रखा हुआ था। हाँ मम्मी इसकी सफारी सूट पहन के बैंक चली जाती है। देखो यार इसमें कौन सी बुरी बात है? उसमें तो कोई गलबात नहीं, जो डैडी तेरा पेटीकोट पहन के गजलें सुनने जाता है वो। इसमें तो प्रॉब्लम है कि नहीं? पाजी गिप्पी पाजी, आप पंजाबी फिल्मों को पूरा बॉलीवुड लेवल पे लेके जा रहे हो जी। पाजी मैं पंजाबी फिल्मों को ना हॉलीवुड इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊंगा। चलो जी पाजी, चलो चले, बहुत होगी। जाके अपने दादा का डेंचर लगवाओ, दांत उसके है नहीं। आपको पता चिकन चूस चूस के खा रहा 3 महीने से, उस दिन आलू वाले परांठे पहने मिक्सी में डाल के उसकी स्मूदी बना के पी रहा है। ओह माय गॉड।
क्या यार, मैं यार अंदर जाके भी तो मिक्स ही होने हैं, तुम्हारे अंदर जाके क्या आलू का पराठा गोल ही रहता है? इनकी हरकतें, मैं इतनी गंदी हरकतें मैं आपको बताऊं, इन्होंने बकरा रखा पाजी सहारनपुर से लेके आए, बकरा बचपन से पाला इन्होंने, उसको ट्रेन ऐसा किया ना, कहते रात को 8 बजे तूने चीखे मारनी है ताकि पड़ोसियों को लगे कि हम मटन खा रहे हैं। एक दिन गली में ही शादी थी, ये खाना खाने चले गए, बकरा शादी में पहुंच गया, कहता अगर तुमने शादी में खाना था मुझे तो बता देते, चीखे मार मार मेरा गला बैठ गया। ये हरकतें हैं इनकी लोगों की। यार कपू शर्मा वो स्ट्रगल डेज थे, अभी मैं हो गया हूँ सीरियस अपने करियर को लेके। जीपी भाजी मैंने आपके लिए ना और सोनम के लिए एक फिल्म लिखी है। फाड़ दे। नहीं करेंगे। लैपटॉप फाड़ दूं? तोड़ दे। रिकॉर्ड तोड़ेंगे। भाजी मैं बताता हूँ सच में आपके लिए फिल्म है। फिल्म होती है एकदम ओपन, खूबसूरत सड़क और बाइक पे सोनम आ रही है मेरे साथ। तो गिपी भाजी कहाँ हैं? गिपी भाई प्रोड्यूसर। गिपी भाजी मैं बताता हूँ, मेरा ना मूड है कि वहाँ की टाइटैनिक को ना पंजाबी में बनाऊँ प्लीज। पंजाब में समंदर है नहीं, जहाज कहाँ, बाल्टी में डुबोएगा तू? भाजी ये मैं आपको इसकी हरकतें नहीं बताता, मैं बड़ी गंदी हरकतें करते थे। ये रबड़ के जूते पहने ना, इसके बाद रबड़ की पैंट भी है, रबड़ की पैंट पहन के ना ऊपर जुड़ापे चढ़ा लेता, शादी में जाके सारी दाल भर के लाया ये। एक दिन दाल थी गर्म, तो ऐसे से गर्म है कि क्या कर रहा है, कहता मैं दाल में कड़छी मार रहा हूँ। मुझे तेरे से नहीं बात करनी यार, कैसी बातें करता है मुझे ना। देख भाजी आए हुए हैं, मुझे प्लीज काम की बात करने दे। काम मैं तेरे को लगवाता हूँ, करता नहीं भाजी। यहाँ फिल्म सिटी में आपको पता कितने बंदर आते हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे कहा है कि एक समय सीए चाहिए, क्यों नहीं अप्लाई करता उधर? मैं बीकॉम में फेल हूं, मेरे को नहीं आता अकाउंट्स। केले गिनने तुझे क्या करना है? यार ये कोई काम है, कोई ढंग का काम बता। मैं तेरे को बताता हूं, यहां पे जितने भी कुत्ते हैं फिल्म सिटी में, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों अलग अलग करने हैं। वेजिटेरियन कुत्ते होते हैं क्या? होते हैं वो जो भौंकने से पहले एक्सक्यूज मी कहते हैं, वो वाले। तुझे पता ही नहीं मार्केट में क्या क्या चल रहा है, मुझे तेरे से काम कराना ही नहीं है, मैं खुद जाऊंगा हॉलीवुड, अपना काम मैं खुद ढूंढूंगा। और जा, तेरे को वीजा कौन देगा? पहली बार कनाडा गया एयरस्टो को जाकर, फ्लाइट कितने घंटे की? 16 घंटे की। कहता ओके, सो कहता मैं पीछे वॉशरूम के बाहर बैठा हूँ, किसी पैसेंजर ने शेव करानी हो आप पीछे भेज देना। क्योंकि भाई आपको तो पता ही है इससे पहले मेरी शादी हुई थी। हाँ। तो जब काम ही कोई नहीं तो आदमी शादी करता और क्या। शादी भी इसकी ऐसे हुई, ये देखने गया लड़की, तो लड़की के माँ बाप कहते बेटा आपको तो लव मैरिज करवानी चाहिए, अरेंज मैरिज के कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं। कहता इतना हैंडसम, कहता देखो बेटा अपनी बच्ची को कोई भी कुएं में नहीं धकेलता। ये तो किसी की बच्ची आपके प्यार में अंधी हो जाए तो हो सकता है, आपका नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा ये लड़की देखने गया ना, तो लड़की वाले इसको देख के बोलते आप टीवी भी आते हैं ना? कहता आपकी बेटी इशारा तो करो, मैं तो घर में भी आ जाता हूँ। ये लड़की देखने गया, लड़की की बहनें आएंगी थी, जीजू जीजू जूते उतारो। कहते जूते तो फिर शादी में चुराते हैं ना? कहती चुराने नहीं जीजू, मारने हैं आपको। ये गया लड़की देखने, वो इसके मम्मी डैडी कहते बैठो बैठो लड़का 2 मिनट में आ रहा है। आया लड़की वाले कहते ये इसी की रिक्शा में बैठ के तो हम आए हैं। ये तो इसकी हरकतें हैं। ये लड़की देखने गया, लड़की कहता है तुम रस्सी पे चल लेती हो? कहती वाह, कहते मैं ढोलकी बड़ी अच्छी बजा लेता हूँ, मिलके कॉन्सर्ट्स किया करेंगे। यार कितना फनी है तू। उगी भाजी पता क्या है कि आपने इसे अच्छा ट्रेंड किया, इसलिए आज बैठ के तो 4 बातें कर लेता है। आप ना पाजी मास्टर है, सर्व मास्टर है हिंदुस्तान में, इंडिया में कोई बंदा ऐसा बताओ ना यार जो ऐसी बातें कर सकता है। यार तू ऐसे मेरे को पीछे कर लेना, इधर सामने मत किया कर, मेरे को अच्छा नहीं लगता। थैंक यू पाजी। जो आपके बारे में एक और बात सुनी कि वैसे आप अपनी फीस में कोई डिस्काउंट नहीं देते, लेकिन को स्टार आपकी मनपसंद हो तो हैवी डिस्काउंट भी दे देते हैं। फिर तो जेब से भी दे देते हैं। मुझे ही लेना इसके ऑपोजिट। देखो जी सर, इस फिल्म में इन्होंने पहले कम कर दी थी फीस। अच्छा जी। क्योंकि मेरे फादर का रोल ये प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी। जब ये शूटिंग पे पहुंचे और उन्होंने मेरे से समीप जी ने कहानी पूरी वापस सुनाई, तो ये मेरे पास आए, इन्होंने मुझे बोला कि यार मुझे बोला गया था कि तेरी माँ जिंदा है इस फिल्म में, वो मरी हुई है। मैं क्या कहते विनोद जी को भेजो वापस, मैंने वो पेमेंट की वापस फिर वापस सरी नेगोशिएट हुआ सब कुछ। देखो जी गिपी जी ने मेरे साथ वादा किया था कि जसविंदर जी आप इंग्लैंड पहुंच जाओ, इस बार आपके ऑपोजिट आपकी बीवी दीवार पे नहीं मिलेगी आपको टांगी हुई। अच्छी मुच्ची की बीवी है और वो भी उपासना सिंह। और सच पूछो मैं उनका इतना उपासक था उपासना जी का। अच्छा जी। जब मैं स्ट्रगलर था मेरा मन चाहता था कि मैं इनके साथ मुझे रोल मिल जाए, कहीं से मिल जाए, छोटा मिल जाए। अच्छा जी। और परमात्मा की कृपा हुई कि एक सीरियल में जिसका नाम था काचा माचा, पहले तो सीरियल सीरियल में मैं हीरो था। अच्छा जी। वो हीरोइन थी। अच्छा जी। मेरी खुशी का कपिल जी कोई ठिकाना नहीं था। अच्छा जी। भी जिसका मैं आशिक हूँ वो मेरे साथ हीरोइन है,
शूटिंग खत्म हुई पहले दिन होटल में ठहरे, बगल वाला उनका रूम, अच्छा मेरा इधर उनका परे। अच्छा जी। 10:30 बजे मैं अपने रूम में सो रहा था, अचानक सोते सोते मेरे को एक फुरना आया, ख्याल आया भी काश उपासना जी आकर मेरा दरवाजा खटकाए। रात को 10:30 बजे माय लॉर्ड ये बात नोट की जाए। और अंदर आए और अंदर आकर मेरे को बोले कि बल्ला जी चलो बाहर टहलने चलते हैं। अच्छा जी। मैं हजे सोच के ही हटिया सी, तुसी यकीन जाने हो 2 मिनट बाद दरवाजा ठक ठक होया, मैं दरवाजा खोलिया, सामने उपासना जी खड़े। भल्ला जी, इट्स अ फैमिली शो। उसे बता रहा हूँ, फैमिली शो है। सच्ची बात बता रहा हूँ। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरे मुंह से कोई बात ना निकले। अच्छा जी। अचानक वो उन्होंने सन्नाटा तोड़ा और बोला कि जसविंदर जी वे 97-8 की बात है, आपके पास मोबाइल फोन है? अच्छा जी। वहाँ किसी किसी के पास होता था उस वक्त। मैंने कहा है। कहने मैंने मुंबई अपनी मम्मी को कॉल करनी है, फोन करना है। मैंने फोन कटिया देता, 15 मिनट मेरे सामने बैठकर कुर्सी पर वो अपनी मम्मी से बात करती रही। इतनी महंगी कॉल थी, मेरा उधर भी ध्यान नहीं गया। मैंने कहा करती है तो करने दो। जब बात खत्म हुई, फोन मेरे को पकड़ाया, थैंक यू बोली, चली गई। और आज मैं सोच रहा हूँ अगर उस दिन मैंने हिम्मत की होती, उसका हाथ पकड़ा होता, तो आज हमारा छोटा बच्चा 10वीं क्लास में होता। भाजी, भाजी, अल्लाह साहब, छोटा बेटा 10वीं में होता, बड़ा बेटा बड़ा एक्टर बने बैठा ये बड़ा। ये लो, कितना पुराना इश्क है अल्लाह साहब, क्या बात है। तो इश्क को जंगाल लग गया, इतना पुराना है। ये जेलसी बोल रही है, जेलसी बोल रही है। बड़ी गंदी हरकतें करते हो आप। मजा आता है यार, मजा आता है। तो गए वो, उठोगे कैसे अब? एक मिनट, सांस भी लेनी पड़ती है। लेकिन अर्चना जी, अभी स्टेज का बैलेंस हो गया। क्या बात है यार, आप लोगों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं, सच बताऊं, भगवंत मान जी और सिद्धू साहब को छोड़ के पूरा पंजाब यहाँ पे आया हुआ है। जोरदार तालियां भाई। गिपी जी, मैं आपसे ना एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट ट्राइंग टू इन्फॉर्म यू कि बाहर ना आपकी गाड़ी के पीछे मेरी गाड़ी लगी है। ये बात उनको क्यों बता रहे हो आप? थोड़ी सी जोर से लग गई है। मतलब ठोक दिया भी कह सकते हैं। दो लाइटें लटक गई हैं, बम्पर जरा सा ऐसा हुआ है। लेकिन यू डोंट टेक एनी प्रेशर यार, मैं बाहर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आया हूँ। कौन सी फॉर्मेलिटीज? नहीं, मैं इनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर से मार खा के आया हूँ। अब ये एफर्ट आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। सो बी कंफर्टेबल, रिलैक्स, एंजॉय, कैरी ऑन, जट्टा। मैं अपना तारुफ करा दूं सर। नमस्ते, मैं दामोदर जेठ मलानी, मैं इस विश्व का पहला ऑयली वकील हूँ। ऑयली वकील क्या होता है? मतलब मैं जब केस लड़ता हूँ, सामने वाले वकील का तेल निकाल देता हूँ। ऑयली कैसे कैसे निकालते? बैठ के? यार देखो यार, यहाँ पे सभी को दिखाई दे रहा है कि मैं थोड़ा हेवी हूँ, थोड़ा, लेकिन फिर भी ये आदमी मुझे बहुत हल्के में लेता है। अच्छी बात नहीं है सर। माय नेम इज दामोदर। ये काला कोट मैंने ऐसे ही नहीं पहना है। क्यों पहना है? क्योंकि मैं काले कोट में स्लिम दिखता हूँ। लेकिन आप लोगों ने एक चीज बहुत अच्छी की है। आपने, आपकी जो कनाडा की फ्लाइट है वो वाया मुंबई ले रहे हैं, क्या अच्छा किया, मुलाकात हो गई हमारी। वकील साहब, मेरी बात, सारे पंजाबी कनाडा नहीं जाते। सच में नहीं जाते? नहीं, मतलब पंजाब में फिर पैदा होके पंजाब में ही रह सकते हैं?
रह सकते हैं, रह सकते हैं, रह सकते हैं। कनाडा जाना कंपलसरी नहीं है। मैं फालतू में ही घबरा रहा हूँ यार, मैं पंजाब नहीं जा रहा ये सोच के कहीं मुझे कनाडा ना भेज दे। तो भल्ला जी कैसे हैं आप? वेरी फाइन भाई। आप 30-35 साल से इंडस्ट्री में हैं। आपको जान के खुशी होगी कि मैं भी 30-35 साल से कोर्ट में हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा है कि एक बार कोर्ट उतार के धुलवा लेता हूँ। आपको शर्म नहीं आती 30-35 साल से एक ही कोट पहना हुआ? शर्म नहीं आती, स्मेल जरूर आती। स्मेल आ जाती है। वैसे गुरप्रीत जी लव यू यार, क्या इनके लिए जोरदार तालियां है। पर मैंने कहीं पे पढ़ा है कि आप नॉनवेज नहीं खाते लेकिन अंडा जरूर खाते हैं। हाँ, आज क्या बात है यार। बस मैं खाली ये जानना चाह रहा था सर, ये अंडा जो आप खाते हैं ये मुर्गी का होता है कि ये भी गुग्गी का होता है? रील साहब, ये फालतू बातें करने आए आप? अरे यार, कॉमेडी के बाप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इनको साफ साफ पता है कि कॉमेडी फालतू बातों से ही होती है। आप फालतू में पंगा ले रहे हैं, ये काला कोट ऐसे ही नहीं पहना है, इसमें आप स्लिम लगते हैं इसलिए पहना। नहीं नहीं, मैं वकील हूँ इसलिए पहना यार, सब वकील पहनते हैं। स्लिम दिखने की वाली बात कहाँ से आ गई भाई? स्लिम दिखना तो वो चाहेगा जो मोटा हो। मैं क्यों? सही का लेना देना। और वैसे भी आपने कहा कि मैं अजीब दिखता हूँ, वैसे मैं आपको बताऊं, अजीब दिखना कोई बुरी बात नहीं है। हर महंगी चीज अजीब दिखती है। मतलब क्या बात है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर ये ड्रैगन फ्रूट पड़ा है, ड्रैगन फ्रूट अजीब दिखता है, महंगा है। वैसे ही आप अर्चना जी को ले लीजिए। वो कहाँ अजीब दिखती है, कितनी प्यारी तो है। हाँ, तो महंगी भी कहाँ है। नहीं, चने और मूंगफली के लिए शो करती है हमारा। कविता जी बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। मैंने ना कविता आज तक सुनी ही थी, आज देख भी रहा हूँ। कविता कोशिश है? कोशिश नहीं, कविता कौशिक। नहीं, नाम मुझे पता है, मैं कह रहा हूँ कविता जी कोशिश अगर मैं आपसे फ्लर्ट करने की करूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन हो सकता है एक मेरा ना एक हवलदार है वो शायद बुरा मान जाए। आपको पता ना वो शो में पुलिस वाली बनती है? वो मुझे पता है। हाँ हाँ, अरे यार मुझे अभी याद आया, उसी शो के एक बंदे ने आप पे केस भी कर दिया है। कौन सा बंदा है? एक बंदा, वो क्या नाम है अपना, मुलायम सिंह गुलगुले की कुशारदा। वो कहता है कि आपने उसे छुआ 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 गाल पे 5 उंगलियों के साथ जोर से। उसको थप्पड़ कहते हैं। थप्पड़ 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 वो थप्पड़ की वजह से बेचारा सूज गया, आजकल मेरे जैसा दिखने लगा है वो। वो कोई बात नहीं, देखो जितने उसने थप्पड़ खाए हैं ना उतने उसने मुंबई में फ्लैट बना लिए। आप कैसे जानते हैं उनके हवलदार को? अरे बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ मैं इस लड़के को। अच्छा, लड़का प्यारा लड़का है यार, उनका कलाकार को कौन नहीं जानता। मैं बताऊँ, हम दोनों बहुत क्लोज हैं। अच्छा, मेरे घर के बिजली के बिल कभी कभी भर देता है वो। हाँ, मेरे बच्चों के स्कूल की फीस भी भर देता है वो। कुछ दिनों पहले तो बाथरूम के आईने में मैंने देखा, नहा मैं रहा था, साबुन वो मुझे लगा रहा था। बड़ा प्यारा बंदा है यार शर्मा, वो इतना अच्छा लड़का है, अपने शो में मौका दो यार उसे। पहले बड़े फालतू लोग भरे पड़े हैं। स्मीप जी, सब में आपका नाम समीप है कि स्मीप है? स्मीप है। स्मीप पंजाबी में स्मीप कहते हैं। हाँ हाँ, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ आपके ये जो टी शर्ट में यहाँ पे बटन है ना जी, बहुत प्यारे बटन है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जाते जाते यहाँ से ये बटन आप मुझे देते जाएंगे, खाली एक ध्यान रखिएगा कि बटन के साथ एक शर्ट भी जुड़ी हो। आपको शर्म नहीं आती? आप मेहमान आए, उनसे कपड़े मांग रहे हैं आप? यार बड़ी मुश्किल से आपके शो पे एक मेरे साइज का मेहमान आया। मैं इनसे
कपड़े नहीं मांगू तो मैं किससे मांगू? पूनम जी से इनका लहंगा मांग के पहनूं क्या मैं? अरे वकील साहब, एक बात आपको बोलनी भूल गया। बोल देना। गेट आउट। चलिए, बहुत हो गया आपका। इतनी देर से आप परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को। मिस्टर शर्मा, ये काला कोट। किस लिए पहना है आपने? ये जानने के लिए देखिए कैरी ऑन जट्टा। मैं अभी चलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। डांस का डिमांड कर दिया इन्होंने। हैं? हाँ। उनको सीरियसली मत लो, कॉमेडी करते हो। क्या बात है, क्या बात है। कमाल, कमाल, कमाल। क्या बात है, क्या बात है। कमाल मत ब्रो, आइए प्लीज। क्या बात है यार। गिप्पी भाई जी, आप जो अपने फैंस के लिए सब लोग फोटोग्राफ डालते हैं, लोग नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं, हमने कुछ फोटोग्राफ्स निकाली, प्लीज हैव अ लुक। पहली फोटो सोनम जी ने डाली है, दिल मेरा पौंदा बोलियां। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, बड़े लवली पिक्चर सोनम। कहाँ की है शूटिंग? शूटिंग की पंजाब। हाँ। ओके। अगर मैं खेत में काम करूं तो आप मेरे लिए रोटी लेके आ सकती हैं? किसी ने रिप्लाई लिखा है, तू कटोरा लेके बैठे तो ये सब्जी भी दे सकती हैं। आप जैसी लड़की खेत में घुस जाए तो कोई कुछ नहीं कहता, मैं घुस गया था, मेरा साग निकाल लिया था। कृषि विशेषज्ञों ने कहा है अगर खाद पानी और धूप दिखाने से फसल अच्छी ना हो तो एक बार सोनम बाजवा दिखाकर देखें। अच्छी होगी। देखो तारी डिमांड कितनी है। और दिखाइए। गिप्पी भाई ने फोटो डाली, कैरी ऑन जट्टा, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन जट्टा 3। बीनू भाजी भी साथ में है, लवली पिक्चर। आइए कॉमेंट्स देखते हैं। बीनू भाजी की दाढ़ी है तब इनको इतना प्यार आ रहा है, क्लीन शेप होते तो किसी कर लेते। गिप्पी पाजी देख अपनी क्रश को रहे हैं और फीलिंग बीनू पाजी से ले रहे हैं। शादियों में लड़के इतने प्यार से या तो सुंदर लड़की को देखते हैं या फिर बार काउंटर को। बड़े भाई की वरमाला देख के खुद की शादी इमेजिन करते हुए दो छोटे भाई। और दिखाइए। कुगी पाजी ने फोटो डाला है, तुसी चिट्ठियां पौनियां भुल गए जदों दा टेलीफोन लग गया। ओ बड़ा कमाल आवाज है। दिखाइए नीचे कॉमेंट। भाभी ने इनसे कहा अगर पीकर नहीं आए तो सीधी लाइन खींच के दिखाओ। अभी ने कहा है बच्चे का होमवर्क कर दो और सिलेबस इनकी पहुंच के बाहर है। मैगजीन में महिलाओं की फोटो पे दाढ़ी मूछ बनाते हुए। और दिखाइए। कविता ने फोटो डाला हैशटैग गौरी। इतने हैशटैग कविता क्या जरूरत थी? अरे वो वेब सीरीज वालों ने बोला हैशटैग डालने। सॉरी, मैंने ऐसे माफ कर दे मुझे। ये कमेंट्स देखते हैं। मुझे एक बात पूछनी थी, मोर खाओ खाओ करने से आता है या आओ आओ करने से? इसने रिप्लाई किया नहीं, वो मोरनी की वजह से आता है। कविता जी इतने प्यार से अगर आप मुझे बुलाती तो मैं पूरी बारात लेके आपके घर आ जाता, मेरा नाम भी मयूर है। थैंक यू मयूर। और दिखाइए। आपके यहाँ कितने खूबसूरत मोर हैं। मैं रेलवे लाइन के पास रहता हूँ, हमारे यहाँ सुबह सुबह आदमी मोर बने होते हैं। ट्रेन आते ही पंख उठा के भागते हैं। कविता जी जब आप FIR में पुलिस वाली बनती हैं तो दिल करता है मैं चोरी करूं, आप मुझे पकड़ ले, मेरे डंडे लगाती रहे, लगाती रहे, लगाती रहे, टू बी कंटिन्यूड। ये कोई बहुत ज्यादा ही आपका आशिक लग रहा है। आदमियों को कुछ मार खाने से कुछ फेटिश है। एक कई बार ना मैं शादी वगैरह में जाती हूँ, जैसे हमेशा दूल्हे का फादर मुझे कहते हैं मैडम मेरा दादा थप्पड़ मार के दिखा दो। I'm like, what is this obsession कि थप्पड़ मारना? कुछ बुजुर्गों का भी अपना तरीका होता है फ्लर्ट करने का। हिसाब से करते हो। और दिखाइए। ओहो, लाइफ लाइक ए मैराथन, इट्स नॉट अबाउट हु इज द फास्टेस्ट। क्या बात है बीनू भाई, ये कहां की फोटो है बीनू भाई? सोया है जी, फोटो कैरियन जटा दीजिए। कैरियन जटा। अच्छा, इसी की कैरियन जटा। नहीं, वो पूछ रहे हैं लिखवाया किससे था ये। मैंने मैंने लिखा है, मैंने सारी इंग्लिश की पोस्ट मैं लिखती थी लंदन। वाह,
बिल्कुल ताड़ियां मार दो जी एक बार इन्हें भी सारा काम करा दिया क्रेडिट अब वो छेड़ने वाली बात भी क्लियर होगी और 10वीं क्लास तक लड़कियों के पीछे बैठ के पास होता रहा उसके बाद पला साहब उसके बाद ये मिल गए आइए नीचे कमेंट देखते हैं आप तो ढिल्लो हैं ही कुर्सी भी थोड़ी ढिल्लो है नीचे लटक रही है नीचे लटक रही वो तो आज मार्केट बंद है वरना अब तक तो ये 3-4 क्रेडिट कार्ड बेच चुके होते रेस्टोरेंट एसी के एक्स्ट्रा पैसे लगा रहा था इसलिए इन्होंने कुर्सी बाहर लगवा ली ये अच्छा है मोगा का जेम्स बॉन्ड और दिखाइए जसविंदर पल्ला साहब ने फोटो डाली है दो दिल वाले दिल के चले हैं देखो मिलके चले हैं ससुराल बोंगा ब्रदर्स गोइंग टू गोवा अच्छा ये फिल्म का किटी पार्टी फिल्म दी शूटिंग सी उथे कुकी पाजी ते मैं गए सी ते नेड़े नेड़े सीटां सी आज भी साडी नेड़े नेड़े सीटां सी जो तुसी शूट के गए सी के जो शूट कर चले सच्ची शूट सी अच्छा जी अर्चना जी इशारे कर रही है कहती पल्ला जी को बोलो हिंदी में बात करें हिंदी में बात करें हमारा शो परसों अंग्रेज आए थे वो हिंदी में करके गए थे नाम क्या था बाजी अंग्रेजों का क्रिस गिल आई नीचे कमेंट देखते हैं मेरा ससुराल अगर गोवा में हो तो मैं घर जमाई बन जाऊं असल में ये लोग कैमरा ऑन करके एयर होस्टेस को देख रहे थे और फोटो खिंच गई जसविंदर भल्ला और दही भल्ला दोनों मेरे फेवरेट है और दिखाइए आज समीप पाजी ने फोटो डाला है स्पीक सॉफ्टली बट कैरी ए बिग स्टिक है पाजी ये भी रूप है आपका आप तो बड़े प्यारे आदमी हो हाँ रहो प्यारे लेकिन ताकत जरूर रखो बहुत अच्छे भाई शाबाश आइए नीचे कमेंट देखते हैं 10 दिन में वजन कम होगा बोल के दवाई बेच दी अब ये लाठी लेके उसको ढूंढ रहे हैं किसने लिखा पाजी ये लाठी है या गन्ना उसको किसी ने रिप्लाई किया खा के देख पता चल जाएगा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सारी बकरियां जल्दी मिल जाएं डायरेक्टर ऐसे बुलाए तो जिसका शूट ना हो वो एक्टर भी सेट पे आ जाए जी अति उत्तम और दिखाइए सोनम ने फोटो डाला तैनू कहना चाहने गल तु ना जाने मेरे बेवस जेहे दिल की धड़कन ना पहचाने सोनम जी मैं चाहूंगा कि आप कृपया करके इसको ट्रांसलेट करके हमारे दर्शकों को बताएं ये लिखा है कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ ये मैं आपको कहना चाहती हूँ लेकिन मजबूर हूँ कह नहीं पा रही और आप समझ नहीं पा रहे अब तो कोई फायदा नहीं शादी हो गई मैं वेरी नाइस आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं उस किसी ने और अब शायरी लिखी तेरे ते मरदे हैं तेनू प्यार भी करते हैं घर वाली कबड्डी की प्लेयर है इसलिए कहन तो डरते हैं ऐसी दर्जी हो ओहो तो मैं अपने कपड़े फाड़ फाड़ के सिलवाऊं कोई टीढ़ आदमी है अच्छा कुर्ता सिया तुमने मेरे नाप का नाप लिया मेरा सिल दिया बाप का और दिखाइए लो जी मिस्टर एंड मिसेस गरेवाल हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बड़े ब्यूटीफुल पिक्चर भाजी थैंक यू जी आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं मैम पास में जगह है आप उन्हें भी बिठा सकती हैं एनिवर्सरी उनकी भी है हस्बैंड के लिए सोफा सिर्फ शादी वाले दिन लगता है बाकी जिंदगी वो पीछे ही खड़ा रहता है अटू सकते हैं पहले इधर दो सोफे थे भाभी जी ने एक सोफे का लेदर निकाल के गिप्पी जी के लिए जैकेट और खुद के लिए पैंट बनवा ली और दिखाइए खत्म बहुत बहुत धन्यवाद भाई वो दूरदर्शन वाला किस्सा सुनाओ ना जब पहली बार आपका सीरियल आया आप सेम कपड़े पहन के अगले दिन जो जब हमने अर्चना जी काम शुरू किया दूरदर्शन पे शुरू किया हमने तो दूरदर्शन तब बहुत बड़ी बात होती थी लेकिन बात तो छोटी थी मतलब क्या टीवी पे आप आते थे थोड़ा बहुत तो जिंदगी में पहली बार एक युवकों का प्रोग्राम मैंने किया जमा तरंग तो मैं पैदल ही चलता था सड़कों पे घूमते थे कोई साइकिल भी नहीं था तब तो मैं शास्त्री मार्केट चौक जालंधर में जा रहा हूँ पहली बार मुझे जिंदगी में किसी ने रिकॉग्नाइज किया बंदे को कितनी खुशी होती मुझे आज भी वो दो चेहरे याद हैं वो एक रिक्शा पे मैनुअल रिक्शा पे दो लेडीज जा रही हैं तो मैं पैदल जा रहा हूँ तो एक लेडी ने पीछे देखा और साथ वाले कहती वो लड़का जो टीवी पे आया था दूसरी जब तक देखती तब तक वो रिक्शा टर्न कर गया अच्छा अब मुझे टेंशन हो गई दूसरी ने तो देखा ही नहीं मुझे अच्छा जाना इधर था मैंने रिक्शा ऐसे टर्न किया वो जितनी दूर वैन खड़ी है तो मैं कितनी दूर भाग के उधर गया Oh, sweet.
और जब मैं गया तो दूसरी वाली ने जब मुझे देख लिया मैंने वापिस उधर गया जिधर मुझे जाना था। अच्छा कपिल वो एपीजे कॉलेज में जाता था ना जी जी ड्रामा क्लास लगाने वहाँ पे राजेश्वरी कला संगम तो वहाँ हमने एक प्ले किया तो वहाँ मेरे जिंदगी में पहली बार किसी ने ऑटोग्राफ लिए। पहली बार तो हम गरीब लोग थे हमें तो वैसे ही मतलब लड़कियां दूर से भी देखने में मतलब डर लगता था कहीं पिटाई हो जाएगी तो वहाँ पे ऐसे ऑडियंस जैसे बैठे तो शो के बाद वो यहाँ आ गई सबसे बड़े कॉलेज की लड़कियां खूबसूरत लड़कियों उनमें से दो पता नहीं क्यों गलती से मेरे पास आ गई। मैंने जिंदगी में बाय गॉड ऑटोग्राफ बुक पहली बार देखी थी। अच्छा मेरे सामने दो ऑटोग्राफ बुक आई बुक्स आई मतलब रखती थी वो तो उन्होंने मुझे मैं परेशान हो गया इसका करते क्या है तो मैंने इधर उधर देखा दो तीन और लोग दे रहे थे ऑटोग्राफ मैंने भी पेन पकड़ा भगवान की कसम रब दी सौ हाँ। दो ऑटोग्राफ दिए दोनों पे साइन अलग अलग मेरे और वो दोनों पहली अपनी अपनी बुक देख रही हैं उसकी देख रही हैं फिर मेरी तरफ फिर उनको हुआ पे गलत ऑटोग्राफ ले लिए सारे से। एक ऐसा ही किस्सा मेरे साथ हुआ जब मैं थोड़ा थोड़ा मशहूर हुआ। अच्छा जी तो पैसे भी आए थोड़े बहुत तो मैंने 800 कार ले ली। अच्छा जी और प्रोग्राम बना लिया फैमिली के साथ के शिमला चलते हैं। अच्छा और सोचा कि पंजाब से ही तेल भरवा लेते हैं गाड़ी में। अच्छा जी तो मैं गया तो जो तेल डाल रहा था गाड़ी में छोटा सा लड़का था वो एक हाथ से तेल डाल रहा था और टिकटिकी लगाकर मेरी तरफ देख रहा था। अच्छा जी मैंने देख लिया कि इसने टीवी में देख लिया है मेरे को पहचान लिया मेरी फिल्में देखता है कैसेट देखता है तो उसका ध्यान मेरी तरफ जब देखा कार फुल हो गई तो तेल बाहर गिरने लगा तो एकदम कहते सॉरी 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 सर सॉरी 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 मैं क्या कोई बात नहीं बेटे कोई बात नो प्रॉब्लम। अब मैं जाने लगा मैं क्या क्यों कहीं देखा लगता है मेरे को पता उसने क्या जवाब दिया कहना जी इससे पहले मैं फौरा चौक वाले पेट्रोल पंप पे था आपने वहां देखा होगा मेरे को। बाजी कैरियन जट्टा के एक लॉयल फैन फॉलोइंग है उन सबके सवाल हैं कुछ आप में से कोई भी जवाब दे सकता है किसकी वजह से सबसे ज्यादा रीटेक होते थे भल्ला साहब क्यों क्या रीजन भल्ला साहब सारी उंगलियां आपकी तरफ सी हैं सबसे बड़ी बात कसूर दूसरों का निकालते हैं यार तू चीख मार दी उसने उसने पूरा पूरी किया तो उसने उसने पांव ऐसे हिला दिया अपना डायलॉग इसलिए नहीं बोला मुझे पता था तू बोलेगा। अच्छा हां मुझे पता था और ये सब फ्रस्ट्रेटेड ने क्योंकि डायलॉग मेरे चल दिया ऐड वगैरह टेलो ने काला कोट एने नहीं पाया अभी अभी इसका क्लाइमेक्स शूट कर रहे थे कपिल एक एक शॉट में इन्होंने 8 रीटेक दिए नौवीं बार अब इनको समझ में नहीं आ रहा किस पे ये कसूर डालूं मैं तो यार ये संगा क्यों बोल रहा है इतना गिप्पी ने बताया बोले सर संगा का तो शूट ही नहीं संगा तो आज आया ही नहीं है नहीं आया तो कोई भी नहीं उसको बोलो खामोश रहे फिर भी। सबसे ज्यादा आलसी कौन था जो सेट पे हमेशा लेट होता था बाजी। अब आपके गुरुजी के बारे में हम क्या बोले ऐसे आप बचा ही मैं हूं तो मेरे पे डाल अब कपिल के गुरुजी के बारे में हम क्या बोले। अच्छा सेट पे सबसे ज्यादा दोस्त किसके मिलने आते थे कुगी पाजी के दोस्त तो सारी दुनिया में मिलने आते हैं मतलब जितने दोस्त कुगी पाजी जी के हैं मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा और ये कहीं पे भी बैठे हों मतलब अभी भी इनको कोई फोन आ जाए कि पाजी एक डीसी के साथ काम है उस फलाने बंदे का हमारे चाचे की बुआ का ऐसे से ऐसे हो गया ये सारा कुछ छोड़ के उसको सीरियसली लेके पहले उसका काम करेंगे अच्छी बात है। सबसे ज्यादा फालतू गप्पे मारने वाला होता ना कि गप्पी ग्रेवाल जी गप्पी ग्रेवाल यू नो गिप्पी जी अपना एक ग्रुप सा बनाते हैं जिसमें बीनू जी है करमजीत जी हैं और ऑफ कोर्स भल्ला साहब हैं और इनकी मिनिमम 45 मिनट्स रोज जब तक गप्पे ना हो अच्छा। तो शूटिंग नहीं ये लोग जोश से करते हैं कैरी ऑन जट्टा उन गप्पों के बिना पॉसिबल ही नहीं है या इंप्रोवाइजेशन हां इंप्रोवाइजेशन गप्पे और गिप्पी के बिना हां चलिए इसी के साथ हमारे सवाल खत्म होते हैं। गिप्पा जी आप शुरू से सिंगर बनना चाहते थे आप बाद में एक्टर बने पहले आप सिंगर थे। नहीं भाजी मैं तो सब कुछ ही एक्सीडेंटल हुआ जी हैं आपको पता है आपकी और मेरी मुलाकात पहली बार मैं कुकी पाजी की वजह से हुई थी। मैं और कुकी पाजी के साथ हम लोग गए थे एक शो पे और चंडीगढ़ के आसपास कोई शो था तब कुकी पाजी आपकी तारीफ कर रहे थे आपका वो गाना आया था नया नया डैंग डैंग कौन सा था फुलकारी हाँ फुलकारी गाना आया था तो कुकी पाजी आपकी तारीफ की मैं पीछे खड़ा था ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने इसी के सपने देखे थे कोई और काम मिला नहीं तो मैं गाने लग गया। अच्छा बट ये था कि मैं मेहनती बहुत था फिर आहिस्ते आहिस्ते वो गाना आ गया वो बहुत बड़ा हिट हो गया तो चीज़ें चलती रही। उसके बाद पंजाब में ऐसा दौर था कि जो
सिंगर हो जाता था हिट, उसको फिल्में ऑफर होने लग जाती थी। तो सीखते सीखते फिर फिल्म की पहली फिल्म, सारी टीम अच्छी मिली, बीनू जी, कुकी पाजी, मतलब मेरी लक अच्छी थी कि मेरे आसपास इतने अच्छे लोग थे कि अगर मैं कुछ बुरा करता था तो वो सब ठीक करवा देते थे। तो आज यहाँ तक आ गई। एक्चुअली क्या होता है लाइफ में आप जो भी करते हैं, मुझे लगता है कभी भी कोई भी कुछ किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। मुझे कुकी पाजी की बात याद है, कहते हैं जब मैं स्कूल में था तो मैं कुछ कुछ जोक्स लिखता रहता था, तो किताब भरी पड़ी थी मैंने कॉपी अपनी, पूरे रजिस्टर भरा हुआ था। लेकिन जब इनका टाइम आया, जब बड़ी बड़ी कैसेट कंपनी जो इनको अप्रोच करने लगी, तो वही जो टाइम वेस्ट लगता था वही लाखों करोड़ों में बिके। आई थिंक कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती पाजी, ये बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा, आपके चहेते स्टार सामने बैठे, किसी को कोई फरमाइश करनी हो? जी जी मैम। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। हेलो एवरीवन। हेलो, मेरा नाम जीत है, मैं अहमदाबाद से आई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। मैं कविता मैम से एक मेरी रिक्वेस्ट है। ये आपके साथ आए पाजी भी जो बैठे हुए? ये मेरे साथ ही है। अच्छा, साथ मतलब आपकी फैमिली से है? हाँ, मेरे हस्बैंड है। अच्छा अच्छा, तभी गुस्से से देख रहे थे आपको। प्यार से देख रहे थे, सॉरी। जी जी, कविता मैम जी, आपने वो FIR में जो इंस्पेक्टर चौटाला का रोल किया है ना, उसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति का भी इंटरोगेशन करें। पाजी सोच रहे हैं इधर ही करना है कहीं और। एक्चुअली क्या है, हमें घूमने का बहुत शौक है। अच्छा जी। तो हम कहीं भी जाते हैं ना, तो घर से तो साथ में निकलते हैं, लेकिन बाहर जाके ये पता नहीं बंदा कहाँ गायब हो जाता है। तो इतना परेशान हो जाती हूँ मैं कि कहाँ है। बच्चे बोलते हैं कि ये हमारे अपने पापा हैं या अडॉप्टेड पापा। अडॉप्टेड पापा। कविता जी, ऐसा है कि मैं बचपन से ही बहुत सुंदर हूँ। आप अभी भी बहुत सुंदर हैं। हमें घूमने का बहुत शौक है, तो जहाँ भी हम घूमने जाते हैं तो हमारी प्यारी सी बी जो है शॉपिंग की बड़ी शौकीन है। अच्छा जी। तो ये तो सारा टाइम शॉपिंग में लगा देते हैं, और मैं नेचर और हरियाली में ज्यादा रहता हूँ। नेचर और हरियाली किसको कहते हैं आप? अंडरस्टूड है जी। नेचर और हरियाली। की हरियाली नजर आती है, घर के बाग बगीचे और बच्चे नहीं नजर आते। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने किराए पे लाई हुई इनको। सो प्लीज मैडम, आप कुछ करिए, इनका इंटरोगेशन करिए। आप दोनों बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। इंटरोगेशन नहीं, आई थिंक ये जो दोस्ती कायम है ना आप दोनों की, दैट शोज कि आपस में कितना प्यार है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप हमारे शो पे आए। आप सबको ढेर सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू पाजी। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।